गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3, जो कि आखिरी लेसन होगा, सॉरी आखिरी एक्सरसाइज होगा चैप्टर 4 का। तो शुरुआत करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स अब समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल दैट मीन्स क्या होता है, जिसमें दो से ज़्यादा पद आ जाए, है ना, जिसमें दो से ज़्यादा क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए, ऐसा आप बोल सकते हो, ज़्यादा एक्सप्रेशन आ जाए, दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन जिसमें आ जाए, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि राइट द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसको आपको बताना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स कि घटते हुए क्रम में आपको बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के अनुसार। क्लियर है? ओके, अब चलो देखते चलो कि कैसे। तो देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला रहता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे रहता है, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर के अनुसार नहीं कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएबल के अनुसार आप मुझे क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे बताओगे। क्लियर है? तो वेरिएबल दैट मीन्स कि ये जो एक्स पे जो एक्सपोनेंट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लियर है? तो देखो, सबसे बड़ा वाला जो एक्सपोनेंट दिखेगा उसको शुरू में रखना है। तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन दिख रहा है यहाँ इन सब में? तो ये सबसे बड़ा ये दिख रहा है 8x to the power 4, तो उसको पहले लिखो जरा यहाँ पे 8x to the power 4, और प्लस, कुछ साइन नहीं दिया, इसका मतलब प्लस में है। ठीक है, समझते चलना है। ओके, ये हो गया। इसके हो जाने के बाद अब देखो, 4 के बाद ऐसा कोई पावर जो इससे ठीक छोटा हो तो कौन है? -4x³। साइन के साथ लिखते चलेंगे, -4x³ हो गया। उसके बाद इससे x³ से छोटा कौन है? x² है। किस में है? ये प्लस में है, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस में, तो यहाँ पे प्लस दे दो 15x². क्लियर है? ठीक। अब देखो, 4, 3, 2 के बाद अब ढूंढो कि कोई ऐसा पावर जो 1 वाला हो। तो ये देखो, इस पर कोई पावर नहीं है लेकिन x लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, क्या है, इस पर पावर 1 है, इसका मतलब 3x हो गया, और माइनस ये हो गया 15। लास्ट में कौन बच गया? 15। अब आप बोलोगे, सर इसमें तो x दिख नहीं रहा। बेटा x है यहाँ पे, x^0 है, x^0 है। और आपको भी मालूम है कि किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो जाता है तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए छुपा हुआ है ये x^0। ठीक है? ओके, तो डियर स्टूडेंट, अभी प्रॉब्लम नंबर 2 को हम लोग बना रहे हैं। तो देखो कैसे, जिसका एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखो। तो -9m³ मैंने लिख लिया। अब देखो, 12m² और ये -16m², अब ये दोनों का एक्सपोनेंट जो है सेम है, तो दोनों में से किसी को लिख लो, है ना। तो प्लस में मैंने 12m² को लिख लिया, क्लियर है, और माइनस में 16m² को लिख लिया। उसके बाद क्लियर है, उसके बाद सिंगल पावर वाले को लिख लो, प्लस 8m, ये 8m को मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर किसको लिखोगे? 16, प्लस में 16, क्लियर है। लास्ट में ये बच रहा है, उसको लिखना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि इन दोनों में कुछ तो होगा, क्यों? क्योंकि ये सेम एक्सपोनेंट वाले हैं, है ना, सेम एक्सपोनेंट वाले वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ भी m का स्क्वायर है और यहाँ भी m का स्क्वायर है। इसका मतलब चलो -9, इसको सजा लेते हैं, -9m³। अब ध्यान से देखो, ये प्लस में 12m² है और ये माइनस में 16m² है। इसका मतलब अब समझना जरा, साइन किसका ज़्यादा है? माइनस में 16 और ये प्लस में 12, और ये देखो m² और m², है ना, m² और m² है। क्लियर है? लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपना कॉमन सेंस, है ना। तो क्या लगाना पड़ेगा? देखो, साइन किसका ज़्यादा है? माइनस वाले का साइन ज़्यादा है तो माइनस का साइन दे दो, और 16 में से 12 को घटा दो। 16 में से 12 को घटाओगे तो कितना आएगा? 4m² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4m², 16 में से 12 गया तो 4m², अब प्लस 8m + 16। समझ में आया? देखो, आप क्या थे, किसी से आपने 16 रुपये उधारी लिया था, माइनस में थे, ठीक है, जाके उसको आपने 12 रुपीज़ चुका दिया, दे दिया आपने, तो अभी भी वो अपने डायरी में मेंटेन करेगा ना कि अभी भी 4 रुपये ये बंदा क्या है, उधारी में है ना। तो वही चीज़, जिसका साइन ज़्यादा रहेगा उसका साइन दे दो,
और बड़े वाले नंबर में से 16 में से 12 को क्या करो, घटा दो, तो जो आएगा वो साइन के साथ में, और जो इसमें लगा हुआ है वेरिएबल जैसे एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर लगा दो, और बाकी 8m और प्लस 16, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखते हैं, क्लियर है, ओके। फिर यहाँ भी हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग सजाना है वेरिएबल के अनुसार। तो चलो क्या होगा, m का एक्सपोनेंट कितना देख रहा है, 4 है ना, सबसे बड़ा यही है, तो 9m एक्सपोनेंट 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगेन कौन दिख रहा है, एम क्यू दिख रहा है, लेकिन माइनस में है, तो माइनस लगा के एम क्यू हो गया। उसके बाद फिर कौन दिख रहा है, देखो 4, 3 के बाद ये 2 दिख रहा है ना, एम स्क्वायर, तो किस में है, माइनस में 16m स्क्वायर हो गया। उसके बाद कौन दिख रहा है, ये सिंगल पावर वाला 4m, उसके बाद लास्ट में 16, ये हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, अब लास्ट में ये बच गया आपका, यहाँ भी देख लो आप कि सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला कौन है, तो y टू द एक्सपोनेंट क्या है, 4। ठीक है, तो चलो क्या लिखेंगे, 12y टू द पावर 4 हो गया एक्सपोनेंट। उसके बाद 4 के बाद 3 वाला का लिख लो, माइनस में है ना, माइनस 8y क्यू। ठीक है, ये देखो 12 के यहाँ पे मैं प्लस नहीं लिखा, इसका मतलब ये प्लस में है, और ये साइन के साथ माइनस, क्लियर है। उसके बाद कौन आएगा, 3 के बाद ये 2 वाला आएगा, वाई स्क्वायर है, तो माइनस में 6y स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में ये 4 जो है लास्ट में, प्लस में 4। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, सॉल्यूशन रहा, क्लियर है, यस। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, और ये बहुत ही आसान था, है ना। अब हम लोग इससे आगे का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, तो ये रहे वो सभी के सभी प्रॉब्लम, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम करना क्या है इस प्रॉब्लम में, डिवाइड एंड से, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और बताना है, से मतलब यहाँ पे हो गया बताओ, वेदर द डिवाइजर, जो डिवाइजर है, क्लियर है, जैसे x माइनस 5 क्या है, डिवाइजर है, आर द मल्टीपल फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, और ये जो डिविडेंड है x माइनस 5 जो डिवाइजर है, और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ये डिविडेंड है, ये मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड, तो जो डिवाइजर जो है ये डिविडेंड का मल्टीपल फैक्टर है या नहीं है, क्लियर है, आपको इसको बताना है। तो मल्टीपल फैक्टर कब होता है, जब हम लोग इसका डिवीजन करते हैं और उसके बाद इसके जो नीचे में है ना रिमेनिंग है ना जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, जीरो अगर आ जाता है नीचे में, शेष फल जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रिमाइंडर में है ना, जीरो आ जाता है, तो वही क्या कहलाता है आपका, बोलते हैं कि जो डिवाइजर है ये डिविडेंड का क्या है, मल्टीपल फैक्टर है, क्लियर है। समझते हैं एक एक चीज़ों को, पहले तो ये जान लेते हैं कि सर इसको डिवाइड कैसे करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है पॉलीनोमियल और ये क्या है बायनोमियल, तो पॉलीनोमियल को बायनोमियल से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्लियर है। हमने देखा था कि पॉलीनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, लेकिन ये पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल दैट मीन्स का अभी अभी बताया था कि जिसमें दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन रहते हैं, है ना, 1, 2 और ये 3 एक्सप्रेशन है ना, तो मैंने कहा दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन जिसमें रहते हैं उसको पॉलीनोमियल कहते हैं, और जिसमें केवल दो रहेंगे, एक तो x हो गया, एक तो -5 हो गया, ये दो ही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल, क्लियर है ये। तो देखो पॉलीनोमियल को बायनोमियल से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने से पहले मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको अगर आप समझ गए, है ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाओ, सारे के सारे बनने वाले हैं। समझना है ज़रा कैसे, जैसे अगर मैं ये कहूँ, क्या कहूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 4x स्क्वायर है ना को मल्टीप्लाई करना है, है ना, मल्टीप्लाई करना है किसी से, और आपको लाना है यहाँ पे 2 - 12x⁴y, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि ये 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, इसको और उसको मल्टीप्लाई करने से ये 12x⁴ और ये y भी आ जाए, पूरे डिवीजन में यही चलेगा, क्लियर है। पूरे डिवीजन में आपको अगर ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ये समझ में आ गया, क्लियर है,
और 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि समझ में जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो, 4x² को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कोई यहाँ वैल्यू होना चाहिए, ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ इस डब्बे में, इस बॉक्स में होना चाहिए जो माइनस साइन के साथ में 12 भी आए और x⁴ आए और y भी आ जाए। तो समझते चलना है, पहले हमें ख्याल करना है साइन का, क्लियर है, हमें साइन लाना है निगेटिव। तो देखो जरा, ये 4x² किस में है, प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं लगा है इसका मतलब प्लस में है, क्लियर है। अब प्लस और यहाँ पे अगर माइनस रखूँगा, आप समझते चलना, साइन को प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो माइनस, अब माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या होगा, माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस। समझते चलना है, ये साइन का मल्टीप्लीकेशन है। देखो अब समझना है फटाफट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, यानी कि साइन अगर अपोजिट रहा, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमारा किस में आएगा, प्रोडक्ट माइनस में। अगर साइन सेम सेम रहा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस। तो समझने की बात क्या है कि अगर साइन अपोजिट रहा यानी कि उल्टा उल्टा रहा तो निगेटिव में, और साइन सेम सेम रहा या तो माइनस माइनस रह जाए चाहे प्लस प्लस रह जाए तो ये किस में, पॉजिटिव में। बस यही समझ गए, ओके। चलो प्लस और माइनस को मल्टी, हमें लाना है माइनस, हमारा रिजल्ट है माइनस में, पहले साइन लाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब प्लस को माइनस, यहाँ प्लस है, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस है, है ना। तो अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब तो माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ सबसे पहले माइनस लिखा, यानी कि प्लस माइनस तो माइनस आ गया। अब मुझे लाना है 12, अब नंबर की बारी है, इस 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 12 आ जाए। तो आपको पता चल गया, 3, 4, 3 + 12 यानी कि 4 × 3 = 12, क्लियर है, हो गया 12 हो गया, ओके। अब 12 भी आ, देखो साइन भी आ गया 12 भी आ गया। अब मुझे लाना है x⁴, यहाँ x² है, यहाँ पे क्या है, x² है, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, x² फिर से रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जैसे x² × x², इसका मतलब x पे पावर ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि x⁴ आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये सब एक्सपोनेंट में मैं बता चुका हूँ, है ना, एक्सपोनेंट अगर चैप्टर क्लियर नहीं है तो उसको जाके जरूर देखना। चलो समझो जरा, हमें लाना था x⁴, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, x² मैंने ला दिया, तो ये आ गया। अब मुझे लाना है y, अब मुझे क्या लाना है, y इसमें नहीं रखना है मुझे, यहाँ पे रख के लाना है, क्लियर है। तो अब केवल अकेला y में अगर दे दूँ तो मेरा y पूरा आ जाएगा। तो देखो प्लस माइनस माइनस और 4 × 3 = 12 आ गया, x² को x² से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो x⁴ आ जाएगा, और y इंटू समथिंग, यहाँ पे नहीं है ना कुछ भी, तो y मल्टीप्लाई करोगे तो अकेला y आ जाएगा। इसका मतलब अब आप सीख चुके हो कि कोई भी चीज़ को लाते कैसे हैं, क्लियर है, वही चीज़ सेम यहाँ पे हमें अप्रोच लेना है, क्लियर है, अब आप समझ गए होगे। चलो एक और उदाहरण मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेकंड एग्जांपल, समझते चलना। अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है -20 m⁴ और यहाँ पे q⁵, क्लियर है, ऐसे लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई करना है आपको, ऐसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए जिससे कि ये कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि ये कुछ ऐसा हो जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए, 100 m⁸ जैसे 5 हो जाए, क्लियर है, 5 हो जाए और यहाँ पे q⁶ हो जाए, क्लियर है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए। अब समझो, फिर से हमें यही सोचना है कि हमें सबसे पहले साइन लाना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे क्या है, ये 100 m⁵ q⁶, यहाँ पे क्या है, प्लस में साइन है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो आपको करना होगा यहाँ आपके लिए सोचोगे आप, लाना आपको ये है, है ना, और करना आपको इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है ना, यहाँ पे आपको करना है, जो लिखना है यहाँ लिखना है, ओके। अब देखो हमें लाना है प्लस में, पहले साइन को लाओ, तो देखो माइनस को माइनस से, माइनस है ना, तो अब ऐसा नहीं कि इसी को प्लस बना देना, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस है तो अब सोचो कि यहाँ पे क्या ऐसा रखूँ कि ये प्लस में आ जाए। तो देखो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब माइनस रखोगे, माइनस माइनस तो प्लस में, साइन दे भी सकते हैं, साइन नहीं भी दे सकते,
क्लियर है। अब आपको क्या लाना है, नंबर लाना है, तो यहाँ 100 है, तो अब 20 को सोचो कि क्या से मल्टीप्लाई करें कि 100 जाए, तो 25 जा 100 हो गया। अब देखो m टू द पावर 4 है और यहाँ पे चाहिए मुझे m टू द पावर 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ठो m लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर में, तो 1 है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, है ना, ठीक है। q टू द पावर 5 है ना यहाँ पे, और हमें चाहिए q टू द पावर 6, तो एक ठो q करना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखो माइनस माइनस प्लस में आ गया, तो साइन दे भी सकते हैं साइन नहीं भी दे सकते हैं। 25 जा 100 और m टू द पावर 4 हमें चाहिए था m टू द पावर 5, तो हमने m से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये मिल गया q पे पावर 5, और q पे पावर हमें 6 चाहिए था, तो q से केवल मल्टीप्लाई किया तो मुझे q पे पावर 6 मिल गया। तो ये पूरा का पूरा गेम था आपका, कि हमें सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम को बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये चीज़ मैंने यहाँ पर सिखाया। अब देखो ये धड़ाधड़ कैसे बनता है, ठीक है। हमारा डिवाइजर कौन है, x-5, चलो तो x-5 को मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, और डिविडेंड कौन है, x²-11x+30, तो x²-11x+30। याद रहे आपको हमेशा इसको किस ऑर्डर में सजा लेना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो कि x² यहाँ ना लिख करके इसको 30 के पास में लिखता और 30 को शुरू में लिखता, तो आप क्या करते, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते, ठीक है। अभी पहला वाला प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, कैसा प्रॉब्लम था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाना था, है ना। तो सबसे पहले जो वेरिएबल रहेगा उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, पहले ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला, हाईएस्ट पावर वाला, फिर इससे कम, फिर ऐसे करते करते सजा लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को टारगेट लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये तो पहले से ही है, x²(11x+30), ये तो पहले से है, ओके। अब चलो, अब सोचो, अब ध्यान से समझना, x² मुझे लाना है किस में, पॉजिटिव में। देखो ये यहाँ पे आपको ये लाना है x², आपको लाना क्या है, x² किस में, पॉजिटिव में लाना है। अब देखो ये इसके बारे में सोचना है, आपको लाना ये है। अब यहाँ पे सोचो कि इस x से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x² आ जाए, तो केवल आप अगर x केवल लिखोगे यहाँ पे, केवल x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा। देखो और चाहिए किस में, प्लस में चाहिए, तो ये x किस में है, प्लस में, तो प्लस और ये प्लस के, प्लस प्लस तो प्लस में आएगा ही, है ना, यहाँ पे प्लस दे देता हूँ, और x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, x². अब समझो हमें शुरू वाले को चक्कर में रहना है, हमें बाकी इधर से मतलब नहीं है, हमें शुरू वाले को चक्कर में। अब समझना, इस x को आपने मल्टीप्लाई किया इससे, x-5 से, समझ में आ रहा है। तो देखो ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x² होगा, तो ये वाला x भी ये 5 से भी तो होगा, है ना, इससे किया आपने तो x², ये शुरू वाले को ध्यान में रख के तो आपने कर लिया, लेकिन ये x अब जो भी यहाँ पे डिवाइजर रहेगा, है ना, जैसे -5 है अगला, तो -5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक, अब देखो ये किस में है, प्लस में, और ये किस में है, माइनस में, प्लस माइनस तो माइनस, और x इंटू 5 यानी कि 5x, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 5x, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 5x, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, क्लियर है। इसको ध्यान में, मुझे लाना था x², तो इस यहाँ पे सोचे कि इसमें क्या से मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए, और साइन भी आना चाहिए ना प्लस में, है ना, प्लस, ये x² किस में है, प्लस में, अब ये x तो खुद प्लस में है, तो प्लस, और यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया मैंने, तो इसका मतलब प्लस ही ले लिया, तो प्लस प्लस तो प्लस ही आ गया, और x इंटू ये x, x इंटू x तो x², और यही x अभी तो -5 के साथ होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और x इंटू 5 तो 5x। अब लाइन कुछ ऐसे खींचना है, अब लाइन क्या कर दिया मैंने, ऐसे खींच दिया, अब समझना है यहाँ पे, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे बताया आपको कि जैसे ही आपका कुछ अब इस तरह से आ जाए तो क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये प्लस में दिख रहा है ना तो अब ये माइनस लगा दो, ये माइनस में दिख रहा है तो यहाँ प्लस कर दो। अब समझना है आगे हुआ क्या, अब देखो ये x² से ये x² खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये x² प्लस में है और ये माइनस में हो गया, है ना, याद रहे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो ऊपर वाला का साइन नहीं चेंज होता, लेकिन नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, ये 5x जो है अब ये माइनस में नहीं रह गया,
5x किस में हो गया, प्लस में हो गया, समझना, 5x माइनस में नहीं रह गया, अब ये 5x किस में आ गया, प्लस में आ गया, क्लियर है। तो चलो देखो जरा, माइनस 11x है ना और प्लस में 5x, अब बताओ देखो, ₹11 आप कर्ज में थे, ₹5 जाके उसको दे दिए, तो अभी भी माइनस में ही हो ना, माइनस में 6x, ₹6 कर्ज में हो, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि किसका साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का साइन ज़्यादा है, अब ये 5x किस में है, प्लस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6x। अब इसको 30 को नीचे लेके आओ, इस 30 को नीचे लेके आओ, तो 30 किस में है, प्लस में, तो प्लस 30, ये ऐसे नीचे आ गया, ओके, अब इतना समझ में आ गया, ठीक है, ओके, अब चलते चलना, यहाँ पे क्या है, ये आपका माइनस में, अब देखो फिर से ख्याल करना है, मुझे पहले वाले को ख्याल करना है, ये बाद वाला में क्या आएगा नहीं आएगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें क्या करना है, केवल पहले वाले का ख्याल करना है, ठीक है, यहाँ वाले का, ओके। तो चलो हमें लाना है माइनस, सबसे पहले हमें लाना क्या है, माइनस, और जो भी मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले तो ये यही एक्स में करना है, इस वाले एक्स में, समझ में आ रहा है, इसी एक्स में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो समझते चलना है, हमें सबसे पहले साइन को सोचना है। तो देखो ये प्लस में है, यहाँ एक्स किस में है, प्लस में, इसका मतलब अगर मैं माइनस यहाँ पे लिखूँ तो प्लस माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, साइन आ गया, क्लियर है, ओके। अब आपको लाना है सिक्स, तो यहाँ पे तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, है ना, तो यहाँ पे लिख दो सिक्स, ठीक है, हो गया सिक्स, क्लियर। अब देखो ये हमें लाना था सिक्स नंबर, तो सिक्स हो गया, अब एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स तो है ही यहाँ पे, तो देखो 6 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 6x, देखो पहले साइन को देख लो, प्लस माइनस माइनस और 6 इंटू एक्स, तो 6x हो गया, क्लियर है, नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या, यही माइनस 6, अब ये माइनस 6, ये माइनस 5 से भी तो होगा, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, हाँ, अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो माइनस 6x आ गया, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 5 30 हो गया, क्लियर है, 6 5 30 हो गया। आप क्या करोगे, अब यहाँ पे फिर से वही साइन चेंज कर देना है अपने को, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला माइनस में और नीचे वाला प्लस में, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस 6x और प्लस 6x, तो ख़त्म हो गया, है ना, प्लस 30 और माइनस 30 से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं, जीरो बचा, नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं तो जीरो बचा, तो जब रिमाइंडर हमारा जीरो बचता है, समझना है इस चीज़ को, जब रिमाइंडर मेरा जीरो बच जाए नीचे में, तो हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइजर आर मल्टीपल फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइजर, है ना, डिवाइजर आर, यहाँ पे आर तो सबके लिए आया है, डिवाइजर इज, है ना, ठीक है, डिवाइजर इज मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट मेरा सॉल्यूशन हो गया। आप ये भी लिख सकते हो, क्या ये भी लिख सकते हो क्या, कि जो भी डिवाइजर है, यानी कि x माइनस 5 डिवाइजर है, तो एक दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हो, x माइनस 5 डिवाइजर है, है ना, तो डिवाइजर की जगह लिख लो इज, यानी कि x माइनस 5 इज, MULTIPLE, दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, एक तो ये लिख सकते हो और दूसरा ये लिख सकते हो, x माइनस 5 इज मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द, अब डिविडेंड की जगह पे ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ये पूरा लिख सकते हो आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर पहला, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर टू की ओर, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर टू, डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिवाइजर को लिख लो, तो x प्लस 7 डिवाइजर, और डिविडेंड को लिख लो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से वही अप्रोच लेना है, हमें ये x स्क्वायर किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर किस में है, पॉजिटिव में, और हमें लाना भी है, तो यहाँ पे ऐसा क्या रखोगे? तो देखो x रख दिए, पहले साइन लाओ, ये प्लस में चाहिए मुझे, तो देखो ये x प्लस में है और ये ax प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस में आ जाएगा, क्लियर है? तो साइन दे भी सकते हैं, साइन नहीं भी दे सकते यहाँ पे, ओके। तो x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब चलो यही x, फिर ये प्लस सेवन से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस, और ये x किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस, और सेवन इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, सेवन एक्स, क्लियर है? अब इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे साइन चेंज करोगे, अभी ये किस में है, प्लस में है, अभी साइन चेंज करो जरा, देखो ये प्लस में है तो अब ये माइनस हो गया, अब ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप अगर ये बोलते हो कि साइन क्यों चेंज कर दे रहे हैं हम लोग, साइन इसलिए चेंज किया जा रहा है ताकि ये जो कैंसिल हो जाए, ये एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में, ये एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि सेम चीज़ अगर प्लस में रहे और सेम चीज़ अगर माइनस में रहे, देखो ये प्लस में है और ये सेम चीज़ माइनस में है, तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। खुद से सोचो ना, ₹3 प्लस में और ₹3 को आपने घटा भी दिया तो जीरो आएगा, इसीलिए साइन यहाँ पे चेंज किया जाता है, तो इधर भी चेंज करते हैं, ठीक है? अब समझना है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, क्लियर है? अब देखो ये 7x का साइन अब ये नहीं रह गया, प्लस वाला नहीं रह गया, अब 7x का साइन, अब ये जो साइन चेंज किया है मैंने, माइनस में लिखा है मैंने, वो हो गया है, क्लियर है? ओके, तो 20x में से देखो 20x में से, यानी कि पॉजिटिव में से कितना, माइनस में 7x चला जाए तो कितना बचेगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, एक मिनट, प्लस माइनस माइनस नहीं, यहाँ पे साइन किसका ज़्यादा है, देखो प्लस में 20, इसका मतलब ये ₹20 आपके पॉकेट में है और उसमें से ₹7 आपने खर्च किए हैं, तो कितना, प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 20 में से 7 गया तो 13, क्लियर है? और x लगा हुआ है तो x लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 13x, और ये ऊपर से इसको लेके आओ प्लस 91, ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, याद रहे यहाँ पे बस चेंज होगा, ऊपर वाला ऊपर से किसी को नीचे ला रहे हो, क्लियर है? तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ऊपर से इसको लाएं तो प्लस में 91, ये हो गया, ओके। अब चलो देखो जरा, हमें लाना है अब यहाँ पे प्लस में 13x चाहिए, प्लस, पहले तो साइन के बारे में सोचना है, प्लस में चाहिए, तो पहले यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो ये प्लस और ये एक्स भी किस में है, प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस में आ गया, साइन आ गया। अब एक्स तो है ही, एक्स तो यहाँ पे है, लेकिन है यहाँ 13 चाहिए, नंबर में 13, यानी कि यहाँ पे 13 से, अगर 13 से एक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 13x हो जाएगा, क्लियर है? बस मुझे ये पहले को ध्यान में रखना है, दूसरे में क्या आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो ये 13 इंटू, देखो पहले तो प्लस 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 और 13 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, 13x हो गया, क्लियर है? और फिर अब ये 13 फिर से ये प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है? तो देखो प्लस और ये प्लस, तो फिर प्लस और 13 7 91, क्लियर है? 13 7 91, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज, यहाँ पे प्लस और ये माइनस में, ये 13x माइनस में हो गया और ये प्लस में था तो ये माइनस में, अब ये दोनों कट रहे हैं तो दोनों चला गया और नीचे में रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। और जब जीरो बच जाता है तो आपको यहाँ पे, मैंने पहला प्रॉब्लम में आपको बताया है कि क्या लिखना है यहाँ पे, कि डिवाइजर इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कि एक्स प्लस सेवन, यहाँ पे लिखना है एक्स प्लस सेवन, है ना, ये जो डिवाइजर है एक्स प्लस सेवन इज मल्टीपल, अगर जीरो आ जाता है नीचे में तो, है ना, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड में अब जो भी है, कौन है डिविडेंड में, एक्स स्क्वायर 20x, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 91, ये कुछ ये रहा, क्लियर है? अब चलो, अब प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। डिवाइजर कौन है, x माइनस सिक्स, तो x माइनस सिक्स ऐसे लिखना है और घेर देना है, और डिविडेंड कौन है, ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ऐसे मैंने लिख कर लिया, ठीक है? देखो फिर से एक्स स्क्वायर मुझे लाना है किस में, पॉजिटिव में। अब सोचो कि इस x में किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि पॉजिटिव में, तो पहले तो ये x देखो, ये x किस में है, प्लस में है, तो प्लस, है ना, साइन साइन का पहले मल्टीप्लाई करो, तो प्लस प्लस तो प्लस, यानी कि प्लस में मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना है वो जो जिससे इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, क्लियर है? अब चलो हमें लाना है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स केवल अगर लिख दूँ तो बात बन जाएगी, क्योंकि एक्स तो है ही और ये एक्स, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है?
ठीक है, तो समझते चलना, ये क्या हो गया प्लस में, देखो प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब ये माइनस, अब समझना, अब इसके ये एक्स जो है अब माइनस के साथ भी होगा, माइनस सिक्स के साथ, तो माइनस और ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस और सिक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स, और ये रहा आपका लाइन। अब फिर से वहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये किस में है प्लस में है, क्लियर है, साइन फिर से चेंज करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में है तो ये माइनस में, और ये सिक्स एक्स माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। बता चुका हूँ कि साइन क्यों चेंज करते हैं, साइन इसलिए चेंज करते हैं ताकि कैंसिल हो सके। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, ऊपर में प्लस में है, और ये एक्स स्क्वायर अब माइनस बन गया है, क्लियर है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। आप चाहो तो एक लाइन में काट सकते हो, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने काटा है ऐसे और ऐसे, तो ऐसे भी काट सकते हो, क्लियर है, ठीक। अब देखो माइनस, ये देखो ऊपर का साइन माइनस में है और नीचे का साइन प्लस में सिक्स, अब ये मैंने कहा था ना कि अब ये माइनस सिक्स नहीं रह गया, अब ये प्लस बन गया है, तो देखो ₹6 पॉकेट में है, प्लस का मतलब समझना कि पॉकेट में पड़ा हुआ है पैसा, ₹6 पॉकेट में है और ₹5 आपने खर्च कर दिए, तो कितना बचा, एक ठो बचा ₹1, तो ₹1 यहाँ 1x नहीं लिखते हैं कभी भी, है ना। देखो ₹6 पॉकेट में है यानी कि प्लस का साइन ज़्यादा है तो प्लस में ही रहेगा, क्लियर है, लेकिन कभी हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, है ना। 6x में से माइनस में 5x है, तो 6 में से 5 गया तो कितना x, ठीक है, और ऊपर से किसको ला रहे हो माइनस सिक्स को, तो माइनस सिक्स यहाँ पे लिख दो, क्लियर है, ठीक है। अब समझना, अब यहाँ पे हमें लाना है प्लस में एक्स, तो देखो ये एक्स तो है ही प्लस में और हमें ये एक्स ही चाहिए, एक्स केवल चाहिए, तो एक्स तो है ही, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें पहले वाले का ध्यान में रखना है, प्लस में और ये प्लस में, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस केवल दे दूँ तो प्लस प्लस तो प्लस में आ जाएगा, क्लियर है। अब एक्स और ये एक्स, एक्स है यहाँ पे और मुझे चाहिए एक्स, तो केवल यहाँ पे वन केवल लिख दूँ, वन इंटू एक्स, तो एक्स ही आएगा, है ना। किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है ना, नॉट किसी भी वेरिएबल को, अगर वन को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल वेरिएबल ही दिखता है मुझे, क्लियर है, याद रखना। तो प्लस प्लस तो प्लस में हो गया, वन इंटू एक्स तो एक्स हो गया, और ये प्लस और ये माइनस, माइनस में हो गया, और वन इंटू सिक्स तो क्या हो गया माइनस में सिक्स, और ये रहा प्लस, है ना, और ये माइनस में तो है ही, क्लियर है, ये तो प्लस में था, अब साइन चेंज कर दो, यहाँ पे प्लस में तो ये माइनस में, और ये माइनस में सिक्स है तो प्लस में। देखो ऊपर वाला एक्स किस में है प्लस में, है ना, और नीचे वाला एक्स किस में है माइनस में, कैंसिल हो गया। ऊपर वाला सिक्स किस में है माइनस में, और नीचे वाला किस में है प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा, फिर से जीरो, तो फिर से आपको वही बात लिखना पड़ेगा, क्या कि दिस डिवाइजर इज, यहाँ पे, यहाँ पे डिवाइजर, डिवाइजर x माइनस सिक्स, है ना, डिवाइजर x माइनस सिक्स इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, ऑफ द डिविडेंड, ये है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो कोई भी अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, शेषफल अगर जीरो आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि जो डिवाइजर होगा, है ना, जो भाजक होगा, है ना, वो डिविडेंड का क्या होगा आपका, क्या होगा आपका मल्टीपल फैक्टर होगा, क्लियर है, ओके। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, हाँ एक चीज़ और, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है, ओके ऑल राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 की ओर, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 मैंने नोट कर लिया है, तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस 4, ये डिवाइजर है और ये क्या है डिविडेंड, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, ये कुछ ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझते चलना है, क्या समझते चलना है, देखो जरा, हमें लाना है एक्स क्यूब, क्लियर है, हमें क्या लाना है एक्स क्यूब, पहले तो ये देख लो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो देखो ये पावर एक्सपोनेंट को देखते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 है, फिर 2 है, एक्स स्क्वायर 3 है, 2 है, 1 है, डिक्रीजिंग मतलब क्या, घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे, यानी 3 2 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब
एक्स टू दी पावर यहाँ पे जीरो है, याद रखना है, यहाँ पे एक्स अकेला नहीं है, इसके ऊपर में वन है, ठीक है। ओके चलो, हमें लाना है, इसका ख्याल करना है, मुझे इधर से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये लाना है, ये पहला वाला, ठीक है। क्या लाना है? प्लस में एक्स क्यू लाना है, प्लस में एक्स क्यू। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्स के साथ में किससे मल्टीप्लाई करें, पहले साइन लाओ, प्लस में चाहिए ना, तो ये एक्स तो प्लस में है ही, तो इसका मतलब प्लस दे दो, अगर साइन दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्लियर है। तो देखो प्लस प्लस, तो ये प्लस तो आ गया, क्लियर है, प्लस में है ना ऊपर में, तो प्लस आ गया। एक्स एक्स तो है ही, अब मुझे चाहिए एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से, अगर x पे पावर 1 है और x स्क्वायर होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो ये रहा एक्स क्यू, क्लियर है। अब यही एक्स स्क्वायर हमें शुरू वाले को ही लाना है, बाद वाले को हमें नहीं पता क्या आएगा। चलो अब इसके साथ माइनस 4 दिया है ना, मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करोगे, फटाफट से साइन आपने चेंज कर दिया यहाँ पे, है ना, साइन चेंज करो, ये प्लस में है तो ये माइनस, और ये माइनस में है तो प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, और 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला किस में है, प्लस में, और ये एक्स क्यू किस में हो गया, माइनस में, तो ये से ये खत्म हो गया, ठीक है। अब समझना, माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में, अब ये 4x स्क्वायर का साइन क्या हो गया, प्लस वाला, ये नीचे जो चेंज किया हूँ वो हो गया। ₹5 आप उधारी में थे और ₹4 जाके दे दिए, तो अभी भी ₹1 हो ना उधारी में, तो क्या आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, 1 कभी लिखते नहीं है, कितना आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। और ये भी समझो जरा, जिसका साइन ज़्यादा रहेगा उसी का साइन आएगा, माइनस वाले का साइन, माइनस में 5 और प्लस में 4, तो दोनों में साइन किसका ज़्यादा है, माइनस में, क्योंकि माइनस में 5 है, तो माइनस वाला का साइन मैंने दे दिया, और 5 में से यानी कि 5 में से 4 को घटा दिया तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस। अब ये उसको लेके आओ, इसका साइन में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा है माइनस 2x है ना, तो माइनस 2x ही लिखो, हो गया, क्लियर है, लिख लिया मैंने। ओके अब चलो, यहाँ से हमें फिर से यहाँ पे सोचना है, हमें लाना है माइनस, हम यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे लिखना है मुझे किस में लाना है, मुझे ये वाला चीज़ चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, सोचो क्या से मल्टीप्लाई करें कि माइनस में आ जाए, साइन कब, तो ये खुद प्लस में है, इसका मतलब माइनस में, तो प्लस माइनस, तो माइनस आएगा, साइन आ गया। अब इस एक्स में क्या से मल्टीप्लाई करेगी, एक्स स्क्वायर आए, तो केवल एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे इस एक्स को इस एक्स से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये वाला, ये माइनस एक्स जो है ना, अब ये वाला इससे भी होगा, क्लियर है, माइनस फोर से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक्स इंटू फोर यानी कि 4x हो गया, क्लियर है। फिर से यहाँ पे साइन चेंज कर दो, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पे साइन चेंज करो, माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में, क्लियर है, ये हो गया। तो देखो फिर कटेगा ये, एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में, और ये एक्स स्क्वायर किस में है, अब प्लस में हो गया, चेंज हो गया। ओके अब देखो, माइनस 2x और माइनस 4x, ध्यान से समझना, ऊपर में भी माइनस 2x, अब ये प्लस में 4x नहीं रह गया, अब ये माइनस में 4x हो गया, तो सेम माइनस में, देखो सेम वेरिएबल माइनस में और सेम वेरिएबल यहाँ भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, है ना, देखो दोनों माइनस में, ये भी माइनस 2x और ये माइनस 4x, तो माइनस में 6x दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन उसी का रहेगा, क्लियर है। अब ये 24 की बारी है, इसको नीचे लेके आओ, क्लियर है, तो प्लस में 24 है, ऊपर से जब भी लेके आओगे साइन नहीं चेंज करोगे, प्लस 24, क्लियर है। अब सोचो फिर से हमें माइनस लाना है, सोचो, तो देखो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे मुझे लाना है माइनस, तो प्लस को जब तक माइनस से, यहाँ माइनस दे दो, तो प्लस माइनस, तो माइनस आ गया। अब लाना है 6x नंबर, तो देखो एक्स तो है ही, बस मुझे 6x चाहिए, तो अगर मैं केवल 6 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x इंटू 6, तो 6x हो गया, क्लियर है। अब फिर से सोचो, अब ये माइनस एक्स, अब ये माइनस एक्स इस माइनस 4 से होगा, तो माइनस माइनस, हमें केवल शुरू वाले को ख्याल रखना है, क्लियर है। और जो यहाँ पे आ जाएगा वही वाला टर्म क्या होगा, सेकेंड वाले से, है ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 इंटू 6 कितना, 24। फिर से यहाँ पे साइन चेंज कर दो, साइन क्यों चेंज कर रहे हो सर, इसलिए ताकि ये रिमाइंडर इसका नॉट रिमाइंडर ये कट जाए, है ना, सॉरी ये माइनस में था तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, माइनस में 6x और प्लस में 6x, साइन चेंज हो गया, तो प्लस में 24 और माइनस में 24,
₹24 पॉकेट में था और ₹24 निकाल भी गया पॉकेट से, तो क्या बचा? जीरो बचा, रिमाइंडर जीरो बचा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, है ना, ये जो डिवाइज़र है मैंने यहाँ पे वो लिख के बता चुका हूँ पहले ही, है ना, क्या बताया हूँ कि डिवाइज़र क्या, यहाँ डिवाइज़र एक्स माइनस फोर इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ, मल्टीपल फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड, है ना, फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या, एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये वाला लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, प्लस 24 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। तो ये क्या है, डिवाइज़र है, तो चलो a प्लस बी ऐसे लिख लिया मैंने, और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब समझना, देखो ए स्क्वायर मुझे लाना है, क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना है, तो देखो प्लस में लाना है। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे प्लस दे दूँ, और ए तो खुद प्लस में है या आगे में, तो प्लस प्लस तो प्लस में आ गया, क्लियर है, ए स्क्वायर लाना है, ए तो है ही, इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब चलो प्लस और ये प्लस, प्लस और ये प्लस क्या हो गया, प्लस, यही वाला प्लस ए इन इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, और यही वाला प्लस ए अब इससे भी होगा, प्लस बी से, है ना, तो प्लस प्लस तो प्लस और ए इंटू बी, तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बस कुछ नहीं, साइन चेंज करो, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस दे दो, है ना, ये माइनस दे दो, और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस दे दो, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर ऊपर में प्लस में है, अब ए स्क्वायर साइन चेंज हो गया, अब ये माइनस में हो गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। और टू ए बी से, एक मिनट ध्यान से समझना, ये कटा नहीं है, ये टू ए बी ही है, हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा, ठीक है, यस टू ए बी, ठीक है, ओके। चलो देखो ज़रा, ये टू ए बी हो गया, ठीक है। तो देखो प्लस में 2ab, यानी कि दो ठो 2ab है, प्लस में 2ab का मतलब क्या हो गया, दो ठो 2ab है, और जिसमें से माइनस में ab एक ठो घटा देना है, तो क्या बच जाएगा, दो ठो में से एक ठो चला गया, तो क्या बचेगा, केवल एक ठो बचेगा, एक ठो ab, है ना, और ऊपर से इसको लेके आओ, प्लस में b स्क्वायर, ये किस में है, प्लस वाला ज़्यादा है ना, प्लस में 2ab और एक ठो घटा दिए, ₹2 पॉकेट में था, ₹1 चला गया, तो ab ही बचेगा ना, ₹1 बचेगा ना, तो a1 को लिखते नहीं है कभी भी, है ना, ये हमेशा छुप जाता है, किसके साथ में, वेरिएबल के साथ में, है ना, ये वेरिएबल है कि उसके साथ में, ओके। अब चलो, अब मुझे लाना है ए बी लाना है, क्या लाना है, तो ए तो है, पहले तो साइन का ख्याल करो, प्लस में है, ये किस में है, प्लस में, तो यहाँ प्लस में है, हमें लाना है प्लस में, प्लस प्लस लाना है। अब सोचो कि यहाँ पे ये प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस रखूँगा तब तो आएगा, प्लस 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 होगा, क्लियर, प्लस में आ गया, ओके। अब सोचो कि इस a में क्या से मल्टीप्लाई करूं कि ए बी हो जाए, तो सोचो b हो गया, तो a इंटू बी, तो ए बी हो गया, क्लियर है। अब यही वाला प्लस b, यही वाला प्लस b, इस प्लस b के साथ होगा, तो प्लस प्लस तो प्लस b इंटू बी, क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज करूँगा, है ना, साइन चेंज करो जरा, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। अब देखो ऊपर में प्लस में है और नीचे में साइन चेंज कर दिया, तो अब ये माइनस हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस ख़त्म, ये प्लस में बी स्क्वायर और ये माइनस में बी स्क्वायर ख़त्म, तो क्या बच गया, जीरो, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये जो डिवाइज़र हुआ ये इसके क्या हो गया, मल्टीपल फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये भी चीज़ लिख दिया जाए, डिवाइज़र कौन, ए प्लस बी इज मल्टीपल फैक्टर ऑफ डिविडेंड ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, ये इस तरह से लिखना रहेगा, क्लियर है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह का प्रॉब्लम बनता कैसे है। तो आपको स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है, है ना। और एक चीज़ और, यदि आपको अभी से भी कुछ समझ में नहीं आया है और आप सोच रहे हो कि केवल मैं पांचवा वाला प्रॉब्लम देख लेता हूँ, केवल दूसरा प्रॉब्लम देख लेता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, आप कंसेप्ट को सीखो ज़रा। आप कभी भी मूवी को बीच से देखोगे तो मूवी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मूवी में आखिर हुआ क्या, है ना, ठीक है।
तो यही चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू से बताया है, एक एक कंसेप्ट को पहले शुरू में रखा है आपके सामने कि देखो ये ऐसे से काम करता है, पूरा नियम कानून एक एक चीज़ मैंने बताया है, तो वो चीज़ क्लियर होगा तो ये इधर का अपने आप ये सब बनेगा। क्लियर है? यस। तो आई होप कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।